उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग में शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के भलाई खुर्द गांव में रहने वाले संदीप उम्र 18 वर्ष और शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया तहसील के गांव अमसियाखेड़ी के पंकज सिंह उम्र 22 वर्ष को बेगमबाग क्षेत्र में 6 अज्ञातम बदमाशों ने चाकू से घायल कर दिया। घायल के अनुसार वह सुबह 11:30 बजे प्रशांति कॉलेज में SSC की एग्जाम देने आए थे। लगभग 2:30 बजे एग्जाम देकर निकले। शाम 4:30 बजे के लगभग हरी फाटक का पुल उतरकर बेगम बाग चौराहे से गुजर रहे थे, तभी 6 युवकों ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। दोनों ने कहा कि महाकाल मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद अज्ञात युवकों ने दोनों श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट की वजह पूछने पर कहा कि हमारा इलाका है, यहाँ से नहीं जा सकते, जिसके बाद संदीप की कमर पर चाकू से 4 वार किए एवं पंकज के साथ भी मारपीट की घटना के बाद दोनों घायल युवकों ने प्राइवेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले अपने परिचित राहुल गुर्जर को फोन किया। वहां जाकर ड्रेसिंग कराए, उसके बाद महाकाल थाने शिकायत करने पहुंचे। महाकाल मंदिर के श्रद्धालु के साथ हुई चाकूबाजी की घटना की जानकारी पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता महाकाल थाने पहुंचे, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग SP से की। घटना की जानकारी लगने के बाद महाकाल थाने पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। महाकाल थाना पुलिस ने घायलों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल SP इंद्रजीत बाकलवाल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीम गठित की। घटना संज्ञान में आते ही थाना महाकाल पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर तीनों अज्ञात आरोपी गण को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। हम बेगमबाग ब्रिज से नीचे उतरे और वहाँ पर मुझे पीछे से मारा, दो बाइक सवारों ने, एक ने पीछे से मारा तो उन्होंने आगे जाके बोला, हम बोले कि भैया क्यों मारा हमको, तो वो गाड़ी पलटा के आए और उन्होंने बोला कि इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है, डायरेक्ट गाली दी और हमको, और इधर से तुम्हारा इलाका नहीं है, हम ये मुसलमानों का इलाका है, डायरेक्ट ये बोला। और इसके बाद हमें मारने लग गए तो हम भागने लगा, तो मेरे को पीछे से चाकू मारना, ये हमारी पेपर था SSC का, तो उसके बाद महाकाल के दर्शन करते हुए निकल जाएंगे घर पे, इसलिए आए थे। हम भलाई खुर्द फोन करते हैं। कहाँ पे चाकू मारा है? ये यहाँ पर। नहीं, कौन से एरिया? बेगमबाग। आपका नाम बताइए। संदीप गुजर। आज दोपहर बाद दो बच्चे जो कि प्रशांति धाम में अपना जान देने आए थे, हरिफाटक ब्रिज से बेगमबाग के रास्ते होते हुए महाकाल मंदिर दर्शन के लिए पैदल पैदल जा रहे थे, तो ब्रिज से नीचे उतरते हैं, अचानक मोटरसाइकिल होती है, किसी बात को लेकर उनकी कहा सुनी होती है, कहा सुनी होने पे फिर मारपीट होती है और एक प्रतिपक्ष कहना है कि चाकूबाजी घटना दर्ज की गई है। वहाँ से प्रतिपक्ष अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं, वो JK हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, पुलिस को खबर होती है, मेडिकल किया जाता है और मुकदमा कायम किया जाता है। मुकदमा कायम करने के बाद 2 टीमें लगाई जाती हैं चिन्हित करने के लिए और पता करने के लिए, विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए टीम ने घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और उसमें जो व्यक्ति सम्मिलित थे, 3 व्यक्ति, वो गिरफ्तार कर लिया है।